दोस्तों आपके पास कुछ इस प्रकार के बल्ब हैं तो आपको बल्ब को फेंकना नहीं है, क्योंकि इनसे आप बहुत ही अच्छा तरीके का एक जुगाड़ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों हम इसे क्या बना सकते हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं जो ये बल्ब है ख़राब हो चुका है, इसको हम फिर से रिपेयर करेंगे और इसे हम 12 वोल्ट से चलाएंगे। जो आगे का देख सकते हैं डिफ्यूज़र है, इसको हम खोल देते हैं और इसके अंदर जो लगा देख सकते हैं कुछ हमारी जो LED लाइट्स थी, इसे हम लाइट से चलाते हैं, तो इसे हम बाहर को निकाल देना है, क्योंकि जो ये वाला जो प्लेट है ये जल चुका एंड ख़राब हो चुका है, इसे अब हम रिपेयर करने वाले हैं। इसके अंदर कुछ अलग तरीका यानी 12 वाट की लाइट लगाएंगे और 12 वाट को लाइट से हम अच्छा सा कुछ अलग तरीके का जुगाड़ बनाते हैं। दोस्तों देखते हैं कुछ इस प्रकार के जो आगे वाली प्लेट है उसको निकाल देना है, तो कुछ इस प्रकार, चलो इसे फटाफट निकाल देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार का जो किट था हमें बाहर निकाल दिया है और इनकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये वाला किट को निकालेंगे बाहर। जो हमें ज़रूरत है वो इस प्रकार को देख सकते हैं, जो आगे का ढक्कन था जो बल्ब का, उसी की ज़रूरत है, तो ये वाला हमने निकाल दिया बाहर, इनका ही हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ कुछ ऐसा सा जुगाड़ बनाकर इसे रिपेयर करने वाले हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों फटाफट देख सकते हैं ये वाला किट को अगर लग रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार की हम LED लाइट लोड लगाएंगे, इसे हम 12 वाट की बैटरी से आसानी से चला सकते हैं। इनका भी कुछ अलग तरीके का प्रोजेक्ट जल्दी बनाने वाले हैं, तो अभी हम इसे जल्दी से बनाते हैं और देखते हैं ये डिफ्यूज़र के अंदर जो लाइट बल्ब लगाकर देखते हैं किस प्रकार से ये जलता है और कैसे काम करता है। इसके अंदर जो हम LED का इस्तेमाल करेंगे वो देख सकते हैं ये 12 वाट की दो LED है, इसे हम 12 वाट की बैटरी अडेप्टर से किसी भी चीज आप चला सकते हैं। इनसे किस प्रकार से आप बल्ब के अंदर फिट करने वाले हैं मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ, आप इसे कैसे फिट करेंगे, ये कैसे चलता है, ये किस प्रकार से आपको रोशनी देता है। दोस्तों देख सकते हैं इस LED को हम डिफ्यूज़र के अंदर लगाते हैं, पहले से आप मैं आपको थोड़ा सा टेस्टिंग करके दिखा लेता हूँ कि ये किस प्रकार से होती हैं और ये कैसे होती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम जैसे 12 वाट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उनके कुछ रोशनी इस प्रकार से होती हैं, तो देख सकते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से लग रहे हैं और वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो देख सकते हैं इनका डिफ्यूज़र, इसके अंदर बल्ब के अंदर हम जब फिटिंग करेंगे तब क्या उनका क्या अलग तरीके का रोशनी देता है। चलो अभी हम डिफ्यूज़र के अंदर लगाएंगे और दिखाते हैं कि किस प्रकार से लगाना है और कैसे आप लगा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट एंड तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर देना है दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना है दोस्तों।
दोस्तों फाइनली देख सकते हैं हमारा जो बल्ब था वो रेडी हो चुका है। हमें 12 वाट की बैटरी से इसे कनेक्ट करते हैं। कुछ इस प्रकार की इनसे रोशनी होती है, देख सकते हैं बहुत ही गजब तरीके का इनका रोशनी हो रही है। इस प्रकार का प्रोजेक्ट बहुत ही जुगाड़ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बल्ब बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिख रहे हैं और ये कैसे बनाए आपको वो समझ में आ चुका होगा तो वीडियो में थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट में ज़रूर बता देना है दोस्तों।